मॉर्निंग। यहाँ पे पानी की दिक्कत है तो ओके बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सफरनामा में। और दोस्तों, मैं पहुँचने वाला हूँ सिंजौल। सिंजौल जो है मणिपुर और मिजोरम का बॉर्डर है, एक तरह से बोल सकते हैं। और जो मैं अभी जिस एरिया में मैं सफ़र कर रहा हूँ, चूराचून से इधर आ रहा हूँ सिंघाट से होते हुए, ये अब तक का मेरा पंजाब से लेकर यहाँ तक का अब तक का सबसे कठिन रास्ता रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक तो गांव 10 से 15 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे है और पानी की बहुत क्राइसिस है। तो अभी सिंजौल पहुँचने वाले हैं, देखिए ऊपर पहाड़ी के ऊपर में है। तो मैं धीरे धीरे पैदल चल के बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इधर पैदल ही चलना होता है, पहाड़ी पे चढ़ना होता है। और जब ढलाई आता है तो बिना पैंडल मारे हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरी साइकिल देखिए यहाँ पर है। तो ये अब तक का बहुत बोल सकते अब तक का सबसे टफ जर्नी मेरा रहा है, और धूप भी बहुत है। तो चलिए मैं आपको सिंजौल दिखाता हूँ। और सिंजौल से यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़बरदस्त है, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ और सिंजौल गांव को भी दिखाता हूँ। तो चलिए, तो गाइज मैं सिंजौल की तरफ ऊपर बढ़ रहा हूँ, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। देखिए ऊपर पहाड़ है और यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर हैं, आसाम से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं। देखिए भैया लोग हैं, अपने काम पर जा रहे हैं और गाड़ी रोककर यहाँ पे पानी भर रहे हैं। तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ये पानी भर रहे हैं, ऊपर पहाड़ से आ रहा है जो ये भैया हैं। बाय भैया। कितना महीना लगा इधर? हाँ, तो दोस्तों अब सिंजौल यहाँ से दिखने लगा है, लेकिन अभी भी ये 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर के बाद ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, घरों तक, सिंजौल तक। तो देखिए इस तरह से घर है और ये रास्ता है। और यहाँ से नज़ारे इसके बेहद शानदार हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पानी लाने जा रहे हैं, वाटर, क्योंकि जहाँ पे मैं आपको दिखाया था क्या बोलते हैं, हाँ, जो गाड़ी वाले थे भैया जो थे रोड वाले असम से, वो सब पानी भर रहे थे। तो उसी जगह पे सारे लोग पानी लाने जा रहे हैं, वाटर लाने जा रहे हैं। तो सो हेयर इज़ अ वाटर क्राइसिस इन दिस विलेज। आई एम गुड, आई एम गुड। सो सभी लोग पानी लाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सो इतनी दिक्कत है पानी की यहाँ पे, पहली बार मैंने देखा कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है। तो ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे बहुत पानी की दिक्कत है, पहली बार इस तरह से मैं देखा कि इतना इस तरह से पानी की समस्या है। तो चलिए अब ऊपर गांव में चलते हैं और गांव चलकर देखते हैं। तो गाइज अब 1 किलोमीटर और रह गया जहाँ से मैं आपका ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, वो जगह वहाँ पर है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, खूबसूरत इसके नज़ारे हैं बस। और अभी समय 8:30 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अब धुंधला होने लगा है। जैसे जैसे धूप शुरू होता है धुंधला होना शुरू हो जाता है, ऐसे साफ़ होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं अब 1 किलोमीटर के बाद गांव में एंटर कर जाऊंगा। बच्चे लोगों को देखे, वो लोग नहाने जा रहे थे। तो फाइनली गाइज मैं सिंजौल में दाखिल हो गया हूँ। तो सिंजौल इस तरह से है, अभी इंटर कर रहा हूँ। तो काफ़ी चढ़ाई, जिलेबी नुमा चढ़ाई के बाद
इस गांव में इंटर किया हूँ। नीचे से जब पिक्चर वीडियो बना रहा था तो लग रहा था कि उस पार्ट से एंट्री करूँगा जिससे जिधर मैं दिखा रहा हूँ, बट मुड़ कर कहीं और आ गए दूसरे साइड। तो दोस्तों, सिंजल का ये पहला घर है। दाखिल होते के साथ ही ये घर दिखता है, मिलता है। तो ये है, और ये रास्ता ऐसे घूम कर मैं पीछे दिखाता हूँ। इधर से जाता है भी एक, ऊपर बहुत सारे स्कूल भी दिख रहे हैं, चर्च भी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है इस साइड क्योंकि रोड इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइज, जो बच्चे पानी लाने जा रहे थे, वो मुझे पता नहीं था वो पानी लाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सब लोग आज सैटरडे है तो लोग सब लोग नहाने जा रहे हैं, कपड़े धोने जा रहे थे। पानी इनके कहीं और से आता है, तो पूछने से पता चला सब लोग नहाने जा रहे थे, सारे स्टूडेंट थे। तो ये है, ये दूसरा घर है इस तरह से। तो फाइनली ये सिंजोल रहा, और यहाँ पे एक मोड़ भी आ रहा है, देखिए भी जा रहे हैं नहाने। तो ये सिंजोल में मैं दाखिल कर गया, और यहाँ सिर्फ दो रास्ता होता है, एक ये और एक ये। तो मैं पूछता हूँ कि रास्ता किधर जाएगा। तो गाइज, आइजोल कुछ इस तरह से है आइजोल, और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाया। इधर से मैं आ रहा हूँ और इधर जाना है। तो चलिए अब निकलते हैं आइजोल से, आगे कुछ खाएंगे पिएंगे। और यह है आइजोल LIPP पोस्ट। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे से दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट भी है। तो नीचे में एक होटल है जहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि 8:30 हो गया है और यहाँ पे लोग जल्दी खाते हैं, सुबह में 7 बजे खाते हैं। और शाम को भी 6 बजे 7 बजे से खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से रास्ता दिख रहा है। ओह माय गॉड, वो कहीं और चला जाता है, और ये जो रास्ता है सिंजोल जाता है। तो ये रहा सिंजोल। गाइस, आइजोल में तो और भी बहुत सारे घर हैं, लेकिन होटल नहीं दिख रहा है। ऐसे तो बताया था कि होटल आगे है नीचे में, लेकिन मैं नीचे आ गया लेकिन होटल दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ का गेट कितना खूबसूरत है, सूखे हुए पेड़ में फूल को बांधे हुए हैं, और जिसमें फूल आसानी से खिला हुआ है। वाओ, और ये बिल्ली है, और मेरा साइकिल ऊपर में। तो गाइस, मैं खाने आया था, बट लिखे हुए हैं लॉजिंग फूडिंग होटल गैलेक्सी। ये होटल गैलेक्सी है बट खाना नहीं है। तो ये लो साइड है, हिल के लो साइड में। तो कुछ बिस्किट वगैरह लेके आगे बढ़ना होगा। तो फाइनली गाइस, अब हम मणिपुर से मिजोरम में एंट्री करने वाले हैं। तो ये जोमी का आखिरी
मणिपुर का आखिरी विलेज जोमी रहा। ये जो आप जो देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़ा हैं, ये मणिपुर है। और ब्रिज पार करके उस पार जाने में जब चले जाएंगे तो वो मिजोरम का एरिया हो जाएगा। और बीच में ये नदी डिवाइड कर रहा है, ये नदी म्यांमार से वैसे आ रहा है। तो चलिए